हाय, दिस इज ऋषिकेश पांडे और आप मुझे देख रहे हैं सिने टॉकर्स पे। देखते रहिए। वेलकम टू सिने टॉकर्स। तो सर, सबसे पहले तो आपकी लास्ट मूवी की बात करेंगे, रनअवे 34 में आपका सीन था, क्या कुछ बताना चाहेंगे उस मूवी से रिलेटेड, आपकी जर्नी? डेफिनेटली अभी रनवे 34 सिनेमाज में है आपके, और अभी हफ्ता भी नहीं हुआ है। सो डेफिनेटली पहली चीज़ तो ये होगी कि आप सबसे गो एंड वॉच द मूवी, बिकॉज पीपल हैव रियली अप्रिशिएटेड इट, स्पेशली क्रिटिक्स। बट कहीं ना कहीं क्रिटिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप सब उसे देखें और सराहें। दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट। थैंक यू सो मच। तो अगर आप बात की जाए तो आपने एक्टर्स के साथ जो भी काम किया बॉन्ड की वजह से, और बिहाइंड द स्टोरी, बिहाइंड द सीन्स बात करें तो क्या कुछ रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? ऑफकोर्स मेरे लिए तो सर के साथ, बच्चन साहब के साथ काम करना ऑफकोर्स ड्रीम कम ट्रू, एंड अजय सर के साथ भी एसोसिएशन, इट्स बीन लवली एंड ही इज़ बीन वंडरफुल। बिकॉज अजय सर के साथ ये भी था कि उनके तीन रोल थे, मैं सिर्फ उनकी एक्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर और एज एन एक्टर। तो ये बड़ा टफ होता है किसी के लिए भी कि आप बार बार कैमरे में भी देखें क्या शॉट अच्छा मिला क्या नहीं मिला, एंड 12 कैमरा सेटअप था तो शूट करना, उसके अलावा एक्टिंग के साथ प्रोडक्शन देखना, चीज़ें देखना, उसके बाद भी इतना रिलैक्स और कूल रहना, हैट्स ऑफ टू हिम एंड आई रियली फेल्ट ग्रेट वर्किंग विद हिम। अच्छा, अक्सर न्यूज़ में खबरें आती रहती है कि अजय देवगन सर जितने शाय दिखते हैं लेकिन उससे ही ज़्यादा कॉमेडी करते हैं सेट पे, और एट द सेम टाइम अमिताभ जी की भी बात की जाए तो वही सीन है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कुछ ऐसा प्रैंक बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि वो करते हैं? ये सही बात है, मतलब ये सुना है सबने, जैसे अक्षय हैं, अजय सर हैं या बच्चन साहब भी हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चन सर भी बाकी चीज़ों में, यू नो, लाइक द काइंड ऑफ फोकस ही इज गॉट। पहले तो मैं उसकी बात करना चाहूँगा कि बच्चन साहब का जो फोकस है, जो डेडिकेशन और उनका यू नो डिसिप्लिन है, वो अगर हम जैसों में 5 या 10% भी आ जाए तो आई थिंक लाइफ इज़ रियली मेड, बिकॉज द वे ही वर्क्स। आज इतने सालों के बाद भी ऐसा लगता है कि कोई नया आदमी पहली बार काम कर रहा हो, उस एंथुजियाज्म से काम करते हैं। एंड हाँ, जब काम खत्म हो जाता है उसके बाद ही इज चिल्ड आउट एंड ही इज लाइक अ बच्चा, प्लेइंग प्रैंक्स, मस्ती वस्ती वो करते हैं सेट्स पे, तो वो देखने को मिलती है। और अजय सर, यस, ही डिड अ लिटिल बिट ऑन द डे, कहीं ना कहीं एक दिन उन्होंने एक मस्ती की थी और शांत अपना बैठे रहते हैं, बाकी किसी से करवा दिया और मज़ा ले लेते हैं, तो दैट ही इज़ डन एंड वी हैड अ लवली एक्सपीरियंस देयर ऑल्सो। इस बात पे आता मैं, क्योंकि आई हैव वर्क्ड विद ऑलमोस्ट एवरीबॉडी, जिनके साथ भी पहले भी काम किए हैं लोगों के साथ, तो कहीं ना कहीं बड़ा प्यारा एक्सपीरियंस रहा है और कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, जो आपके आइडल रहे हो उतने सालों से, जिनको आप देखते हुए बड़े हुए हो और यू नो उनकी एक्टिंग को या उनकी हर चीज़ को आप पसंद करते हो, तो कहीं ना कहीं वो बात आ जाती है। और ये डेफिनेटली उनके साथ तो वो तो ऐसा कुछ फॉर्चुनेटली सीन था, या मतलब यू नो ऐसा नहीं हुआ कि हम आमने सामने खड़े होकर सीन कर रहे हो, तो इसलिए ऐसा मौका मिला नहीं। लेकिन यस, सेम फ्रेम में थे सारी चीज़ें, बट उनके साथ तो डेफिनेटली होता है, कहीं ना कहीं वो फील है और रहेगा जब तक एकदम यू नो आइस ब्रेक ना हो उस लेवल पे। आपने बहुत सारे टीवी शोज भी किए हैं और साथ ही अभी रनवे बहुत बड़ी मूवी, एक प्रोजेक्ट में आपने काम किया है, सो अगर आपके फैंस को कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट, कुछ ऐसा अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या होने वाला है आपका? जी ऑफकोर्स, जैसे कि टेलीविजन करते हैं काफ़ी सालों से, और इनिशियली मैंने बहुत साल पहले जब फिल्म की थी तो ये एक चीज़ रही है कॉमन फैक्टर, अभिषेक बच्चन और उसके बाद अमिताभ बच्चन। सो कहीं ना कहीं बच्चन सर के साथ इनिशियल मेरी फर्स्ट जो एक्सपीरियंस थी, जो मैंने रोल किया था 2.5 अक्षर प्रेम में, वो उनके साथ था और अभी बच्चन साहब के साथ। तो अब मैं टेलीविजन कर ही रहा हूँ मैं, और टेलीविजन पहले से भी रहा है, बट डेफिनेटली कमिंग बैक टू मूवीज़ नाउ, वी आर हैविंग अ मीटिंग एंड यू नो डिस्कशन अबाउट थिंग्स, वेब सीरीज, सो सून यू विल सी मेनी मोर थिंग्स, बिकॉज यू जस्ट फिनिश्ड कोविड एंड यू नो दिस फिल्म आई हैड शॉट अर्लियर, तो ये मैं 6 महीने पहले ख़त्म कर चुका था, तो नई चीज़ें जो है अभी आपको देखने मिलेंगी। सो कोविड में ऐसे कह सकते हैं 2 साल का जो गैप रहा है, जो टाइम रहा है, लोगों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट रहा है, एंड एट द सेम टाइम एक्टर्स के लिए भी काफ़ी सारा डिफिकल्ट रहा है, बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ी है, तो आप कुछ कहेंगे आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है ऐसा कुछ भी? लकीली वी बीन वर्किंग फॉर मेनी ईयर्स, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, और मैं थोड़ा सा इस किस्म का आदमी हूँ कि आई एम नॉट वेरी
पाड़ी पाड़ी टाइप्स या बहुत ज़्यादा इधर उधर जाता नहीं हूँ, तो मुझे ऐसी कोई तकलीफ नहीं हुई। आई रियली इन्जॉयड लॉकडाउन, जब हम घरों में होते थे अपने, एंड आई लव माई कंपनी, तो ऐसा भी कुछ नहीं था कि अपनी कंपनी मुझे बोरिंग लग रही हो और मैं टेंशन में हूँ कि भाई कहाँ जाना है। सो आई रियली इन्जॉयड, और मैं बहुत जितना ट्रैवल कर सकता था उस समय इंटीरियर्स में, नेचर में, लोगों के बीच में ना, बट वो मैंने किया। तो आई थिंक आई हैड अ लवली टाइम, बट यस लोगों के लिए फाइनेंशली काम के हिसाब से चीज़ें बहुत लॉस में रही हैं, तो मैं डेफिनेटली नहीं चाहूँगा कि दोबारा ऐसी कोई चीज़ हो और हम सबको कोई तकलीफें हों। ओके, अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट की सर कोई अगर फ्रेंड्स को हिंट देना चाहे कि कोई ऐसा बड़ा बिग प्रोजेक्ट जिसमें आपको देख सके किसी बिग स्टार या फिर आप ही किसी फेम में ऐसा देखने को मिलने वाला फ्रेंड्स को? नहीं, मेरे लिए डेफिनेटली ये ज़रूरी है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कहाँ पे किधर खड़ा हूँ या यू नो क्या कर, मेरे लिए एज एन एक्टर मैं क्या कर रहा हूँ और ये मायने नहीं रखता कि रोल कितना बड़ा है कितना छोटा है, कितना इंपॉर्टेंट है वो ज़रूरी है, क्या कर रहा हूँ वो ज़रूरी है। तो कोशिश यही रहेगी कि वैसी ही चीज़ें करें कि जो आपको तसल्ली देती हैं, आपको दिल से अच्छा लगता है। सो आई ऑलवेज डू समथिंग विच यू नो माई हार्ट सेज, अदरवाइज आई से नो। लास्टली फैंस को क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली सबसे बड़ी बात, हम जब फिल्म की बात कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि सब आप लोग रनवे देखिए और रनवे 34 देखिए, बताइए हमें कि कैसी लगी फिल्म आपकी, बिकॉज इट्स वेरी वेल मेड फिल्म एंड वेरी क्रिस्प, सो आप डेफिनेटली इन्जॉय करेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड कीप गिविंग योर लव एंड अफेक्शन द वे यू हैव बीन गिविंग फॉर सो मेनी ईयर्स। थैंक यू सो मच।